हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। मैं प्रभात मौर्य और आप देख रहे हैं टीवी जस्ट लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो कि कहीं न कहीं मिथ है। तो फ्रेंड्स, वह चीज यह है कि बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि जो इंडियन यूट्यूबर हैं वह बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं यूट्यूब से। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन यूट्यूबर कितना कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडियन यूट्यूबर कितना कमाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यह एक ऐसा सवाल है जो काफी बार लोगों से पूछा जाता है कि इंडियन यूट्यूबर कितना कमाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो इंडियन यूट्यूबर हैं या कोई भी यूट्यूबर मान लीजिए, तो इस समय जो उनकी अर्निंग होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। ये लोगों के बारे में मिथ है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि इंडियन जो यूट्यूबर हैं वो बहुत ज्यादा कमाते हैं और वो करोड़ों करोड़ों कमाते हैं, लाखों लाखों कमाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो इंडियन यूट्यूबर है वह लाखों लाखों नहीं कमाते हैं, करोड़ों नहीं कमाते हैं एक दिन में। जो है कि हाँ, मान सकते हैं हम कि कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिनकी इनकम जो होती है वह लाखों में होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका बस खर्चा निकल पाता है यूट्यूब से। मतलब वो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 इतना ही कमा पाते हैं यूट्यूब से। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको ये बात पता होगी, लेकिन ये काफी ज्यादा मिथ है लोगों को कि जो यूट्यूबर होते हैं वो बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें ब्लॉगिंग चैनल का। तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉगिंग चैनल हैं जो लग्जरी चीजों का ब्लॉग बनाते हैं। मतलब जैसे लग्जरी कारें हो गई, लग्जरी होटल हो गए, तो ऐसी जगहों का वो ब्लॉग बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उनके व्यूअर हैं उनको ऐसा लगता है कि यह जो यूट्यूबर है यह बहुत ज्यादा अर्निंग करता है यूट्यूब से, इसलिए यह लग्जरी चीजों में जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। जो वे यूट्यूबर होते हैं जो लग्जरी चीजों का ब्लॉग बनाते हैं, उनका कोई साइड बिजनेस भी होता है और वह जो है कि अपना पैसा जो है वह पूरा खर्च करते हैं और अलग से भी लगाते हैं लग्जरी चीजों का ब्लॉग बनाने के लिए, लग्जरी जगह घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, यूट्यूब से बहुत कम अर्निंग होती है। हाँ, ये है कि यूट्यूब से आप जो है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल अच्छा एक यूट्यूब चैनल है तो आप यूट्यूब से थोड़ा बहुत इनकम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अगर आप सोचते हैं कि यूट्यूब से बहुत ज्यादा इनकम होगी, कई करोड़ों में होगी, कई लाखों में होगी, तो ऐसा नहीं है। यूट्यूब से बहुत कम इनकम होती है। और आज के समय में, अभी तो 2018 चल रहा है, तो आज की बात करें तो यूट्यूब पे जो है कि बहुत कम इनकम हो गई है। क्योंकि उसका कारण है कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा आजकल चैनल बन रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया में जो है यूट्यूब की अर्निंग बहुत कम हो गई है और काफी ज्यादा जो है कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स, यह एक मिथ ही है कि लोग यह सोचते हैं कि इंडियन यूट्यूबर बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं यूट्यूब से। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।